गलती करी कांग्रेस से, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है कांग्रेस के टिकट देने में। इसके लिए हम लोग निवेदन करेंगे आला कमान से, राहुल जी से, कमलनाथ जी से, कि इस टिकट पे पूर्ण विचार करके इसको टिकट बदला जाना जरूरी है। अगर उनको सीट चाहिए, अगर चाहते हैं कि खंडवा लोकसभा से कांग्रेस का MP बने, तो उनको ये बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर निर्दलीय लड़के जैसा कि संघर्ष हमने ब्रह्मपुर विधानसभा में किया, उसी तरह का सब किसान भाइयों के साथ, बेरोजगार भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलकर ये संघर्ष करके जीत के जाएंगे। आज ये बात हुई कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वही बात सब हुई कि साहब ये जो उम्मीदवार है सर्वे के हिसाब से बहुत कमजोर पड़ रहा है यहाँ पर, और एक तरफा BJP की जीत हो जाएगी इससे। हम चाहते हैं कि आप यहाँ का टिकट बदले, हमारे परिवार को दे। विचार करने के लिए बुलाया 30 तारीख को भोपाल, अर्जेंट जरूरी से बुलाया, वादा लिया है। श्री कुमार सिंह जब निर्दलीय लड़े थे दूसरे नंबर पे आए थे। आप क्या पाते हैं जब श्री कुमार सिंह नहीं है तो शेरा भी है, कुमार सिंह में तो कुछ तो फर्क है। श्री कुमार सिंह जी तो भगवान रूप है, उनके बराबर भी तो हम कर नहीं सकते, उनके नाखून बराबर भी नहीं है हम लोग। लेकिन हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, हम आम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। जो शिव भैया ने खुद ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दो, आप किसान के लिए सिंचाई का साधन करो, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करो, जिसके लिए बहुत ट्राई मची हुई है। अच्छा भैया, अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और आप कहते हैं कि लोकसभा में पहचानते ही नहीं है उनको। भाई प्रदेश में पहचानते होंगे, हमारी लोकसभा में पहचान नहीं है, क्योंकि घूमते ही नहीं, मिलते ही नहीं किसी से, उनको समय ही नहीं। वो बड़ा नेता है, प्रदेश लेवल के नेता, उनको तो राज्यसभा में जाना चाहिए। वो इतने बड़े लीडर है कि कांग्रेस के माध्यम से उनको राज्यसभा में जाना चाहिए, मिनिस्टर बनना चाहिए, इतने बड़े हाइट के लीडर है। वो आम आदमी के साथ के नहीं है ना, आम आदमी के साथ के हम लोग है, जो रोज गरीबों से मिलते हैं, आज दो दो, दो तीन हजार लोगों से हाथ मिलाते हैं हम लोग। सर अभी आप ही क्या नाराजगी है अरुण भैया को लेकर के, आप क्यों उनके इतना मुखर होते हैं? नहीं नाराजगी नहीं है, कमजोर उम्मीदवार है, नाराजगी क्या, वो तो मेरे पारिवारिक संबंध है। मैं उनके हर दुख सुख में जाता हूँ, उनके घर जाता हूँ, बुरावा जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ, उनके साथ खाना खाया दिल्ली में, जो मंत्री थे उनके घर के अंदर बैठकर। सपोर्ट करने की जगह आप वो सपोर्ट मांगेगा तो दूंगा ना, अभी तक वो मेरे घर पे ही नहीं आए, वो चुनाव लड़ने जा रहे हो, मेरे तो घर पे नहीं आए, मुझे फोन ही नहीं किया अभी तक, इससे समझ लो आप। अरुण यादव कभी आपके घर आया तो नामांकन वापस ले लेंगे? बात करेंगे ना भैया, आए तो सही, वो फोन तो करे, उनको पास मेरा नंबर है लेकिन फोन नहीं करते। आपका उनका नंबर तो मुझे बोलो, मैं फोन कर दूंगा उनको। राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा है कि आपको मिनिस्टर नहीं बनाया है, इसीलिए आपने नामांकन दाखिल किया। बहुत छोटी बात बोल रहे हो आप सब, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो खंडवा लोकसभा से कांग्रेस को मजबूती देखना चाहता हूँ, लेकिन ये उम्मीदवार इतना कमजोर आ गया है कि लोग की इच्छा ही नहीं हो रही साथ देने की। वापसी जैसी भी बात हो रही है कि आप समर्थन वापस लेंगे? अभी तो फॉर्म भरा है, आज तो फॉर्म है, अभी चुनाव तो लड़ने दो, अभी समर्थन वापसी में तो 5-6 दिन की बात होगी।